मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास जहां पर टैंक रखा गया था, वहीं पर पैसों के लेन देन की वजह से धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर दो लोगों ने जानलेवा हमला किया है। बड़ी ही बेरहमी से इस व्यक्ति पर चॉपर, छुरी, ऐसे धारदार हथियारों से हमला किया गया है। रात करीब 1 बजे के आसपास में इस व्यक्ति पर यह हमला हुआ है। जिस पर हमला हुआ है उस व्यक्ति का नाम है विशाल उर्फ विकास सोरवाड़े, 38 साल का है, जो दीवा का रहने वाला है। इस वारदात की जानकारी मिलते ही मुंब्रा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और घायल अवस्था में इलाज के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल इसे भेजा गया, जिसके बाद वहां से इसे मुंबई के साइन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति विशाल के शरीर से काफ़ी खून बह चुका है और हालात जो है इसके काफ़ी नाजुक बनी हुई है। मुंब्रा पुलिस के सीनियर PI अशोक कडलक ने बताया है कि हमलावरों में से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी है वो अभी फरार है और ये पूरी वारदात पैसों की लेन देन की वजह से हुई है, जिसकी वजह से दोनों ने विशाल पर जानलेवा हमला किया है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 307 के तहत मामला दर्ज किया है और एक फरार आरोपी की तलाश मुंब्रा पुलिस कर रही है।